भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर लोग क्या नहीं करते। और इंटरनेट की दुनिया ऐसी हो चुकी है जहां तमाम चीज़ें आसानी से हो सकती है। इंटरनेट की दुनिया में इंदौर के एक युवक ने ई उठावना और ई शोक बैठक करने की बात कही है। साकेत नगर निवासी नीरज ने फेसबुक पर एक मैसेज दिया है कि साल भर में परिवार में 2 मौत हो चुकी है और 2 उठावने हो चुके हैं। इसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब अगर परिवार में कोई गमी होती है तो उठावना न करते हुए ई उठावना और ई शोक बैठक करी जाएगी, क्योंकि उठावने के लिए समय पर पहुंचने के लिए भीड़ भरे रास्तों को पार कर जाना पड़ता है और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ का सामना करना पड़ता है, तो ये सब ना करना पड़े इसलिए ई उठावना और ई शोक बैठक का आयोजन किया जाएगा। नीरज लिखते हैं कि वर्ष भर में परिवार में 2 उठावने करने के पश्चात निर्णय लिया है कि अब परिवार में कोई गमी होने पर उठावने जैसी कोई रस्म न करते हुए हमारा परिवार अब ई उठावना व ई शोक बैठक करेगा। हमें भीड़भाड़ भरे रास्तों पर निश्चित समय पर पहुंचना होता है, वहां पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु चेहरे को गंभीर बनाना होता है, आदि आदि। उठावने को लेकर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है व लिखा जा चुका है। समय, पेट्रोल, पर्यावरण जैसे अनेक फायदे व ई शोक संदेश से उपस्थिति निश्चित तौर पर दर्ज होगी, क्योंकि उठावने व बैठक में सभी की उपस्थिति याद रख पाना संभव नहीं। जीजाजी के निधन की ई शोक बैठक की शुरुआत आज शाम करने जा रहा हूँ। ऐसा शायद पहला अवसर है, कुछ इसे मजाक में भी ले सकते हैं और कुछ गुस्से में भी, किंतु मैं इस विषय को गंभीरता से ले रहा हूँ। और हाँ, एक लिंक भी शेयर करूँगा जिसमें कैसे और क्या हो गया है ये सब होगा, ताकि बार बार एक ही बात बताने से भी बचा जा सके। तो ये थी नीरज की वो जो पोस्ट जो उन्होंने फेसबुक पर की है, और उन्होंने ये कहा है कि अब उठावने में समय लगाने से अच्छा है कि ई शोक बैठक की जाए और ई उठावना किया जाए, जिसे वो करने जा रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।